हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सर। स्वागत है आज आप सबका 5G मेथड बाय राहुल सर मैं यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल सर आज आप सबके बीच औसत का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। अभी तक हमने आपको औसत के पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो में जो बेसिक कंसेप्ट होता है औसत का, वो मैंने आपको समझाया, और उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में एग्जाम्पल बन सकते थे वो सब हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। औसत, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि यदि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 30 है तो 30 है तो बड़ी संख्या बताएं। क्वेश्चन है कि यदि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 30 है तो बड़ी संख्या बताएं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर प्राकृत संख्या आ सकता है, सम संख्या आ सकता है, या फिर विषम संख्या आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी संख्या यहाँ पे आ सकती है, लेकिन हाँ एक बात है कि सबका जो कंसेप्ट होगा वो एक ही होगा। हम इसका बेसिक मेथड नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं। तो देखिए जो औसत होता है, औसत का अर्थ मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब होता है बराबर करना, यानी कि जो संख्या होगी औसत से अधिक भी हो सकती है, यानी ज्यादा भी होगी, या फिर औसत से कम भी हो सकती है। यानी कि औसत का अर्थ ये होता है बराबर करना, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि औसत का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कि वो बीच वाले संख्या को, बीच वाले मान को दर्शा रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखेंगे कि जब औसत बोले तो औसत का मतलब समझिएगा कि वो बीच वाले वैल्यू को दर्शा रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है यदि 5 लगातार, और वो लगातार नंबर है भाई कैसा, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो लगातार माने का 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 10 से अगर शुरू हुआ तो 10, 11, 12 ऐसे एकदम से सीरियल वाइज से लगातार आते जाएंगे। तो यहाँ पर दिया है कि जो संख्या है उनका कितना संख्या 5 है, तो हम पहले 5 लिख दिए, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या। देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हम आपको समझाएंगे, ध्यान से इसको समझिएगा। तो मैंने यहाँ पर 5 संख्या लिख दिया, अब इनका औसत दिया हुआ है 30। तो जब औसत 30 है तो मैंने अभी आपको बताया कि औसत का अर्थ होता है बीच वाला मान, यानी जब औसत बोले तो आप समझिएगा कि वो बीच वाले मान को दर्शा रहा है। तो यानी औसत दिया है 3, यानी कि जो बीच वाला संख्या है, जो बीच वाला मान है, सो इसका क्या है 30 है। तो देखिए संख्या 5 है, इन पांचों में बीच वाली संख्या भाई है कौन, तो देखिए 2 इधर से ले लो और 2 इधर से ले लो, यानी बीच वाली तो संख्या यही है, तब बीच वाली संख्या ये है और औसत दिया है 30, यानी कि ये जो संख्या है इसका मान है 30। अब देखिए यहाँ पर बात है प्राकृत संख्या की, और वो भी लगातार, तो देखिए इसके आगे 2 संख्या है तो 30 है, तो इसके आगे की 2 संख्या लिखो, तो एक आपका हो जाएगा 31 और एक आपका हो जाएगा 32। अब देखिए इसके पहले भी 2 संख्या है तो इसके पहले की 2 संख्या लिखो, तो इसके पहले की एक संख्या 29 होगी और इसके पहले की एक संख्या 28 होगी। निकालना क्या है बड़ी संख्या, तो देखिए पांचों संख्या निकल गया 28, 29, 30, 31 और 32, लेकिन हमें निकालने हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें भाई साहब कौन है 32, और आपके आंसर इसमें भाई साहब क्या होगा 32 होगा। क्या आप लोग इस, मैंने जो अभी आपको एक एग्जांपल बताया आप लोग मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे उस एग्जांपल को, बहुत ही अच्छा एग्जांपल था। यानी कि हमेशा एक बात याद रखेंगे, जो औसत होगा औसत का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, औसत का अर्थ हमेशा आप लगाएंगे कि वो बीच वाले संख्या को दर्शा रहा है। आइए हम लोग इस पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए यदि आप बैंक का तैयारी करते हो, रेलवे का, एसएससी हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, जिस किसी भी एग्जाम का यदि आप तैयारी करते हैं, ये जो वीडियो है हर एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। और यदि और आपको अच्छा से इस टॉपिक को समझना हो तो पार्ट वन से स्टार्ट कीजिए। पार्ट वन मैंने इसका अपलोड कर दिया है, पार्ट सेकंड भी मैंने इसका अपलोड कर दिया, और आज हम लोग देख रहे हैं पार्ट थर्ड। जैसे एक और मैंने क्वेश्चन लिखा कि यदि 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत बानवेर है तो पहली संख्या है। एक और लिखते हैं, यदि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 60.5 है तो बड़ी संख्या पता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। दो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं। पहला एग्जांपल है कि यदि 7 गो लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत अगर 92 है तो तुम निकालो इसमें का फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या। दूसरा है कि यदि 6 गो लगातार नेचुरल नंबर का औसत 60.5 है तो इसमें आप निकालिए का बड़ी संख्या, लमहर निकालना है। तो आप लोग इसको हल कीजिए जल्दी से। देखिए ए भाई, अगर एक क्वेश्चन को हल किया जाएगा ना तो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले ए में दिया है भाई का कि 7 लगातार प्राकृत संख्या, माने संख्या इसमें है कितना 7 गो, तो लिखो ना एगो संख्या 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो एगो 7 गो। अब इसमें जो औसत दिया है, औसत का मान है भाई कितना 92, तो अभी मैंने बताया ना भाई कि जो औसत होगा, औसत माने बीच वाला संख्या, तो 7 के बीच वाला संख्या है कौन भाई, इधर से 3 निकालो, इधर से 3 निकालो, मतलब ये जो है सो का है बीच में, तो ये बीच वाला संख्या मतलब जो औसत है का है बीच वाला, तो औसत 92 है, यानी कि ये जो संख्या है सो 92 है। अब देखो इसके आगे जो है 3 संख्या है, तो 92 के आगे का लिखो 3 संख्या, तो एगो होगा का 93, एगो 94, फिर एगो का होगा 95। अब देखेगा गौर से भाई, तो इसके पहले भी 3 संख्या है, तो लिखना होगा ना भाई, तो 92 के पहले एगो होगा का 91, 91 के पहले का होगा 90, और 90 के पहले का होगा 89, तो ये आपका निकल गया सब संख्या 89, 90, 91, 92, 93, 94, और फिर क्या हो गया 95। अब निकालना है का पहली संख्या, तो फर्स्ट संख्या कौन है 89, और आपका आंसर भाई साहब क्या हो गया 89 हो गया भाई। समझ में आ रहा है ना जी, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अगर तुम इसको समझ गए ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आगे, बस तो बढ़िया से समझना दिया है कि यदि 6 लगातार यानी 6 गो लगातार प्राकृत संख्या है, इनका जो औसत है सो दिया है 60.5, तो बड़ी संख्या माने बड़ का संख्या निकाले के हुए भाई, तो संख्या 6 गो, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन गो, चार गो, पांच गो, एगो, छह गो। हम देखिए औसत है 60.5, तो भाई औसत माने हमने अभी बताया का औसत माने बीच वाला संख्या, तो यहाँ तो लफड़ा है कि संख्या 6 गो है, तो वहां से बीच वाला संख्या हम निकालेंगे कैसे, तो देखो इधर से निकाला 3, आ इधर से निकाला 3, माने बीच वाला का बचा, यानी इसके बीचों बीच आएगा 3.5 नंबर,
बीच में क्या होगा, छ के बीच में क्या आएगा, साढ़े तीन नंबर। तो जो साढ़े तीन नंबर संख्या है सो भाई क्या है, साढ़े साठ को यानी 60.5 है। तो हमको चौथा संख्या निकालना है। तो देखिए जब साढ़े तीन नंबर साढ़े साठ है तो जो चौथा संख्या होगा वो तो दशमलव में नहीं होगा, वो एगो अंक में होगा। तो जब अंक में होगा तो साढ़े साठ के बाद अंक वाला संख्या कौन है, इकसठ। इसके बाद कौन है भाई, बासठ। इसके बाद कौन है, तिरसठ। अब देखिए इसके पहले सब अंक में है तो साढ़े साठ के पहले अंक में संख्या कौन आएगा, हो साठ आएगा ना। अब तब उनसठ आएगा, उसके बाद आएगा भाई का अंठावन आएगा। हमको निकालना है बड़का संख्या, तो बड़का इसमें है कौन, तो बड़का क्या है, तिरसठ। और आपका आंसर भाई सबका हो गया तिरसठ हो गया। बड़ा ही सरल और सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो अभी तो आपने एक बड़ा अच्छा बढ़िया इसको बोल सकते हैं, चाहे निमन बात बोल सकते हैं, कि बड़ा निमन बात आप लोगों ने वो समझा यहाँ पर का समझा कि जो औसत है वो औसत का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, बीच वाला संख्या। औसत का मतलब क्या, एकदम बीच वाला ही संख्या है। अगर औसत दिया है सात गो आठ गो दस गो पाँच गो जो गो संख्या हो भाई, जितना संख्या है अगर उसका कुछ औसत दिया है तो डायरेक्ट उसको लेकर क्या करेंगे, बीच में सेट कर देंगे, उसके बाद फिर आगे का संख्या और पीछे का संख्या निकाल देंगे। तो आइए हम उससे रिलेटेड और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने अब लिखा कि यदि तीन लगातार अब है कि सम संख्याओं, यदि तीन लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है तो छोटी संख्या बता में। देखिए बड़ा ही सरल सुगम और सस्ता उपाय है इसका। मैंने जो अभी आपको बताया हुआ है बड़ा ही सरल है, सुगम है और सस्ता उपाय है। और मुझे भरोसा है कि हम जो मेथड आपको बताए हैं आप इसको जिंदगी में अभी नहीं भूलिएगा, और आगे भी हम आपको जो मेथड बताए हैं गारंटी है इस बात का कि लाइफ में इसको अभी नहीं भूलिएगा। और सब मेथड भूल सकते हैं लेकिन हमने जो आपको सिखा दिया आप उस मेथड को जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है यदि तीन लगातार, तो संख्या यहाँ पर है कैगो भाई, तो तीन गो, तो लिखो एगो आएगो दूगो, अगला लिखे तो हुआ कैगो तीन गो। हम देखे तीन लगातार यहाँ दिया है सम संख्या, इसके ऊपर जो हम लोग देखे थे अभी जो एग्जांपल इसके ऊपर में देखे वहां पर क्या होता था, प्राकृत संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या है, सम संख्या। डरिएगा मत, अरे संख्या ना है, सम संख्या हो प्राकृत संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, तो सबका है संख्या है, तो डरिएगा मत। अब देखिए औसत दिया हुआ है 30 गो, तो देखिए संख्या है 3 गो और औसत इसका है कितना, 30 गो। तो औसत माने का बीच वाला, तो जो औसत दिया है उसको बीच में रखो, तो तीनों के बीच में कौन है, यह ना है जी, तो इसका मान हो गया 30। अब देखिए इसके आगे भी अभी एगो संख्या लिखना है और इसके पीछे भी एक संख्या लिखना है, लेकिन संख्या लिखना है कैसा, सम संख्या लिखना है। तो बताओ 30 के आगे की सम संख्या भाई है कौन, तो वो है 32। इसके पीछे की सम संख्या है भाई कौन, तो 28 है। यानी एगो संख्या 28, एगो 30, एगो निकल गया 32। देखो तो क्या तीनों के तीनों लगातार सम है ना भाई। अब हमको निकालना क्या है, छोटी, तो छोटकी कौन है, 28 है। तो आपका आंसर भाई सब क्या हो गया, 28 हो गया। बूझे कि नहीं बूझे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, बूझ गए होंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, और याद रहेगा कैसे, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैथ और मैच, मैथ और मैच दो ऐसा गेम है, मतलब कि क्या है, मैथ भी एक गेम ही है, तो दो एक ऐसा गेम है इसमें जितना ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका जो स्किल है वो डेवलप होगा, है ना। तो प्रैक्टिस हमेशा जारी रखिएगा। और अभी तो हालांकि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन हो तो बहुत अच्छा है कि घर से बाहर आप नहीं निकल रहे होंगे, क्या घर से बाहर निकलिएगा तभी ना आपका समय नुकसान होगा, घर में है स्वस्थ भी है समय भी बच रहा है, तो क्या कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा।
ठीक है, उससे मत बतियाइएगा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा कि अगर अगर पांच लगातार सम संख्याओं का औसत 100 है तो पहली और पांचवी संख्या का योग होगा। ये दिया है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई और एफ 6 लगातार सम संख्या है जिनका औसत 49 है तो 49 है तो ए और ई का गुणनफल होगा। देखिए हम जो क्वेश्चन अभी दिए हैं एकदम ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आप इसको हल कीजिए, हम आपको एक मिनट का समय देते हैं। चलिए अति शीघ्र आप इसको हल कीजिए भाई। ना हल होगा जी, अरे हमको भरोसा है कि आपसे हल हो जाएगा। बस देखिए हम इसको हल कर, देखिए जब हमको आपके ऊपर इतना भरोसा है तो आप भी अपने ऊपर उस तो भरोसा रखे होंगे ना भाई, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं तो कुछ तो भरोसा होगा ना भाई कि कंपटीशन का एग्जाम निकलेगा कि नहीं। देखिए सपना आप लोग बहुत बड़ा बड़ा देखते हैं, मुझे भरोसा है कि आपका जो सपना है वो बहुत बड़ा है, लेकिन सपना ये बोलता है कि जब तुम हमको देख रहे हो, जब तुम हमको महसूस कर रहे हो, तो उसके बदले कुछ दो देगा का, जो तुम्हारा ये जो दिमाग है 24 घंटा इधर उधर भटकते रहता है उसको सीधे अपने सपना के खातिर लगाओ। दिलवाले वाली सपना की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, पढ़ाई में जो आपका एम है, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, सीजीएल, इंस्पेक्टर बनना है, दरोगा बनना है, बिहार पुलिस बनना है, आईएएस बनना है, जो भी बनना है भाई, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका सपना है, नित्य दिन उसी के बारे में सोचिए, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। लेकिन अगर इस सपने के बारे में सोचेगा जो दिलवाले में थी, तुमको बर्बाद कर देगी। समझ रहे हो ना, आतना बुर्बक तो हो नहीं कि तुम अपने इम्पोर्टेंट समय उसके पीछे लगाओगे। अगर उस सपना तुमको मिल गया, यानी कि जो तुम्हारा ये जो तुमने सोचा है, अगर तुमको वो सपना मिल गया, नौकरी तुमको मिल गया, तो इस सपना तुमको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, दौड़ी दौड़ी आएगी तुम्हारे पास। लेकिन अगर तू इस सपना के फेर में रह गया तो ना इहे मिलेगी ना उहे मिलेगी, यानी इधरों से जाएगा उधरों से जाएगा, लास्ट में तू जाएगा कहाँ? अरे अंबानी का तो बेटा है नहीं कि पापा जी बोलेंगे कि लो हम तुम्हारे लिए जियो स्टार्ट कर दिए, चाहे वो मॉल खोल के दे देते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तुम एक मिडिल क्लास, हम लोग क्या हैं, एक मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, बीटेक वगैरह तो किया है नहीं, सिंपल सा कोर्स है ये मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, तो इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, किसी फैक्ट्री में जाओगे, गिट्टी ढोएगा, बालू ढोएगा, और ढेर से ढेर किसी आएगा तो क्या करेगा, सुपरवाइजर का काम करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है क्या, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और 100% नहीं 100% इसमें क्या है, मुनाफा है, मतलब इन्वेस्टमेंट इसमें क्या है, पढ़ाई कीजिए अच्छा से और देखिए आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। आइए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। दिया है यदि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 100 है तो लिखो ना 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 1 गो 5 गो। अब 5 लगातार है या इनका औसत 100 है, तो औसत माने का बीच वाला, 1 2 3 4 5 गो है, तो बीच वाला है ना है, तो इसका मान क्या है, 100 है।
लेकिन सम संख्या का बात है तो इसके आगे दूगो संख्या है, तो 100 के आगे दूगो सम संख्या लिखो, तो हमेशा दो दो के अंतराल पर सम संख्या और दो दो के अंतराल पर विषम संख्या आते रहते हैं। तो अगर ये 100 है तो इसके बाद क्या होगा 102, और इसके बाद क्या होगा 104, इसके पीछे क्या होगा 98, और इसके पीछे क्या होगा 96। अब निकालना का है कि पहली संख्या पांचवी संख्या का योग निकलना है, मतलब जोर देना है। तो पहली संख्या है 96 और जोर पांचवी संख्या है 104, जोड़ दिया तो निकल कर भाई साहब का आ गया 200 आ गया। बुझे कि नहीं बुझे? मुझे भरोसा है कि आप इसको समझ गए। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि ए बी सी डी ई और एफ